एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहा जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्गनक की अवधारणा कहां तक सच है और ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्य पूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाएं। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुहक उनका अपना दुहक है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना। बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूँ और इंसान हूँ, वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्मकेंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो।